Hey guys, welcome to Sharma Sisters. And guess what guys, हम आ गए हैं यू रिवर गेट कर्जत में फॉर टू डेज ऑफ लवली वेकेशन विद मी तान्या एंड मॉम. एंड ये ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड. सो ये रहा हमारा रूम टूर. बहुत ही प्यारा सा रूम है विद द क्यूट बिलू एंड सी द एंटायर रूम. बहुत ही मजेदार है ये और मजा आने वाला है दो दिन. एंड यस, द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द रिवर एंड वी हैव आवर ओन प्राइवेट बालकनी एज वेल. सो हम आ गए हैं स्पा कराने. सो आई एम गोइंग टू चूज ट्रेडिशनल बालिनीज़, बट दैट्स सपोज टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, राइट? लाइक प्रेशर. हां, तो मेरे को इसलिए बॉडी में थोड़ा सा, आई एम गोइंग फॉर स्वीडिश बिकॉज़ शी सेड दैट स्वीडिश मसाज इज लिटिल लेस प्रेशर. सो आई थिंक आई विल शो यू द रिसेप्शन. एंड ताना ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया क्योंकि यू नो कि हाथ के पीछे क्या है. ये यहाँ का रिसेप्शन है, बहुत ही सुंदर प्यारा है. सो गाइस, ये हमारा स्पा रूम है, बहुत ही प्यारा और सुकूनदायक. और ताना और मैं अभी बस चेंज कर लेंगे जो हमको नहीं दिखा पाएंगे ऑफ कोर्स. बट ये मेरी बहन है, यहाँ पे अपना फेस नहीं दिखाते हुए हम बस अब बराबर से स्पा के लिए रेडी हो जाएंगे. दिखा देता ना फेस दिखाना. हेलो गाइस, दीज आर लाइक टू टाइप्स ऑफ सिस्टर्स जो वीडियोज लेती है बहुत ही सुंदर और जो अच्छी दिख रही है. बट वेट फॉर 10 मिनट्स, आई विल बी सुंदर कली. दिस पिंपल इज नॉट गोइंग एज यू नो. एंड माई मॉम इज, आई डोंट नो व्हाट इज शी डूइंग, आई डोंट नो हाउ डू यू ज़ूम इट. ये हॉट फोटो शूट करने की नाकाम कोशिश इसने ये जो किया है, ये देख रहे हो गाइज आप. चलो यहाँ पे सांप की बिल्ला है, तेरे मुंह पे सांप काटेंगे तब पता चलेगा तुझे. नहीं, माता आ गई है क्या? माय मॉम इज रेडी. गॉड नोज क्या ही पहना है उन्होंने फॉर द एक्टिविटीज. एंड ये भी एक्टिविटीज करने के लिए ऐसा रेडी हुई है. सिर्फ मैं हूँ जो अच्छे से रेडी हुई है जो एक्टिविटीज के लिए करने. ये पता नहीं कहाँ जा रही है, क्वीन विक्टोरिया, और ये तो हिप हॉप का परफॉर्मेंस देने जा रही है. शर्मा फैमिली इज डूइंग सम एडवेंचर. ये चढ़ने के लिए ये है ज़िपलाइन, वो है आर्चरी, और ये है कुछ ऑब्स्टिकल वाला. बट आई विल ओनली डू समथिंग, आई विल ओनली डू ज़िपलाइन. ऐसे तो नहीं, इसलिए ये रिवर के ऊपर ऊपर. और मम्मी ऐसे कुछ भी बोले जा रहे हैं. हाँ, तो हम लोग करने वाले हैं ज़िपलाइन, और शायद ये जो चढ़ने वाला है वो करने वाला है. ओके, सो वी आर रेडी. एंड आई एम आल्सो रेडी. आर यू स्कैर्ड? अबे इसमें भी फट रही है तेरी, इतना सा है ये. गाइस कैन यू सी, इट इज जस्ट दिस मच. बिल्कुल नहीं, चलो अभी. गाइस यहाँ पे इतना पसीना. Can you see my makeup coming off? Literally. But it was fun. Only the mosquitoes because my shots. Other than that, it's fun. मच्छरों से पीड़ित मेरी बहन साइकिल से घर जा रही है क्योंकि उसे कोई ला पता कुछ पता नहीं. सॉरी, कुछ तो हो रहा है भाई साहब. साथ नहीं बना साथिया, ससुराल सिमर का और सब का ट्रेनिंग आ रही है. ये भाई इधर भी लगाना है. अरे रुकना, सब नहीं वो काफी. गाइस साड़ी बनाई जा रही है. या दीदी मेरे को नहीं लग रही, मतलब ये लॉन्ग रॉन्ग लग रहा है मुझे. आर यू श्योर? गाइस प्लीज टेल अस इफ दिस इज द राइट वे. दिस इज राइट वे. दिस इज दिस द राइट वे. अरे वाह, क्या पता नहीं क्या ही नोट बांध रही है. तू बस देखना एक बार मुंह बंद करके. इतना टाइट मत करना, मेरा मोटापा पेट आ रहा है, मेरा ब्लोटिंग हो रही है.
कॉस्ट्यूम चेंज, आई थिंक ये वाले ट्रिप पे हमने बहुत ज्यादा कॉस्ट्यूम चेंज करा है. सो राइट दिस इज द सेकंड कॉस्ट्यूम. नो दिस इज माइन. एक दो तीन चौथी. हाउ चौथी बे? यस वाइट एंड आई वोर दैट ब्राउन वन एंड आई वोर द शॉर्ट्स. सो यस, सो अभी हम इंडियन अटायर में हैं. मैंने सूट पहना है, ताना ने साड़ी पहनी है जो मैंने ड्रेप करी है. सो नाउ वी विल जस्ट गो एंड क्लिक सम पिक्चर्स. और गाइस, हम लोग यहाँ आ चुके हैं साड़ी पहन के जो ब्लॉगिंग हो रही है. और मैं ऐसी हो रखी हूँ, ताना बहुत ज़्यादा ही अपने आप को हीरोइन समझ रही है. ठीक है, लेट्स डू सम फोटो शूट एंड बार में स्त्री का लाना. स्त्री का लाना. I don't know, मैं क्या अजीब लग रही हूँ. अबे ये क्या, ये कब पूरा रेड रेड आ रहा है, खून भरी मांग हो रही है. अरे बिकॉज ऑफ द क्लोथ, लिबास के कपड़े आएंगे. बोलो लिबास. किसी को चाय में चाहिए लेमन ग्रास, किसी को चाय में चाहिए सौंफ, क्योंकि सबकी अपनी वाली होती है चाय. और कौन सी होती है परफेक्ट चाय. Guys, the food was really delicious and कुछ ज़्यादा ही variety थी वहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं. बिल्कुल थोड़ा हटके था, जो normal tea के साथ आपको चाय पकौड़े मिलते वो तो थे ही, लेकिन fusion food भी काफ़ी था और हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया. तो डाला है. ओके, तो हमारी चाय फाइनल. हाँ, उबाल उबालती रहे, उबालता ना उसको. और पानी लग रही है ये चाय. थोड़ी थोड़ी दूध डाल दे. दूध डाली दे. दीदी लोगों को कड़क चाय पसंद. बंद कर दिया, बंद कर दिया इसने. बंद क्यों किया? चालू कर. चालू करो ना. वेरी गुड, ताना ने बंद भी कर दिया है. एंड वी आर लिसनिंग सम अमेजिंग म्यूजिक. गाइस, मैं पहले बोल रही हूँ, ये चाय ताना ने बनाई है, तो सारा क्रेडिट ताना को ही जाएगा. मेरी प्यारी बहन है, वो तो जाएगा ही. मैंने नहीं बनाई तब तक. चलो दियो ना, देर थोड़ी है. क्या है? पानी ज्यादा है ना. ये ताना ने. हाँ? ये चाय ताना. तूने पानी में पानी डाले जा रही थी तू. मुझे पहले से ही पता था कि ये पानी डाले. मुझे पहले से ही पता था. सुनो, बाकी क्योंकि मैं आई एम अ बिग टाइम टी लवर, तो मैं भी अपना जरा दे देती हूँ. नहीं बट ये पानी है. एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग नॉट बैड. नॉट बैड. मैंने बोला था दूध डाले, दूध डाली नहीं है. लेकिन हर्ब्स डाला ही नहीं मैंने, सिर्फ जिंजर टी डाली है. अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है. अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म. Oh my God, so healthy bro. हम डिनर के लिए आ गए हैं. करण आल्सो व्लॉगिंग. मम्मी ईटिंग द सेपुरीज. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस. द टमेटो सूप इज देयर, स्टीम राइस, ऑब्वियसली ब्रेड स्टिक्स. क्या है? टमेटो राइस.
दाल तड़का आर स्टेपल यम एंड यम एंड यम पास्ता भी है और फिशेस के लिए चिकन मटन बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई यहाँ पे। मैं गर्म गर्म सूप पीने वाली क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही है और किसी भी लड़की से वो नहीं हो पा रहा था लेकिन करण ने वो कर दिया ना कर दिया कर दिया इस लड़के का जादू चल गया इस लड़के का जादू चल गया तेरे दो दाल मखनी दीदी। हेलो गाइज हमारा ये लास्ट डे है एंड last but not the least we have to do the horse riding. Bye. दो ही दिन तो थे लास्ट दिन कैसे हो सकता है मम्मा दो ही दिन थे तो लास्ट दिन ही फर्स्ट और सेकंड लास्ट तो जन्म जन्म से यहां पे रह रहे हैं तो यहां पे हॉर्स राइडिंग यहां पे बहुत बदबू आ रही है हॉर्सों की टट्टी की। ये है बादल हाय बादल हेलो Handsome. Kitty. बादल इज हंग्री इसलिए बादल को परेशान मत करो बाय पागल अभी अभी मजा आएगा अभी मजा आएगा वन टू थ्री अरे यार भाग गई guys I am back and of course in my real avatar agar troll kiya to bahut marungi but the point ye hai ki hum beech mein thoda sa hamara mishap ho gaya tha by the way meri jo ye behna hai jo yahan ye lethi hui hai na ye fir se apna chehra to chupa rahi hai so usne kya kiya tha ki apne jo car ki roof hoti hai na jo roof khulti hai वो उसने खुली छोड़ दी थी तो दो दिन तक उसकी गाड़ी में पानी भरता गया तो इसलिए उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई और मम्मी से डांट भी पड़ी वगैरह वगैरह तो इसलिए हम कुछ शूट नहीं कर पाए और फिर घर आ गए फिर लेज़ी हो गए फिर एज़ यूजुअल तो इसलिए मैं व्लॉग को एंड करना चाहती हूँ एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू थ्री थिंग्स विच इज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय